वाहे गुरु जी की फते बिघ्न विनाशन सोए सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी कमित सब गौन ऊर भरपूर भयो अवगुणन काम क्रोध कूर हू की मृदता फरद की सब गौन ऊर भरपूर भयो अवगुणन वाहिगुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल दसां पातशाहियां दे आत्म स्वरूप ज्ञान दे मुजस्मे जी दान दे दाते भगत वच्छल कृपा निदान सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पवित्र चरणा कमलां विखे बड़ी प्रेमा भावनी दे नाल सीस चुका के वंदना करके अमृत गुरबाणी दे हर जस कीर्तन सतगुरां दे इतिहास दी कथा और विशेष रूप दे विच अज जो हफ्तावारी गुरमत दे समागम जपजी साहिब सुखमनी साहिब चौपाई साहिब जी दी बाणी दे जाप और उपरंत जो गुरमत दा परम सिद्धांत है नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला सरबत दे भले दी अरदास बेनती दे विच आप बेअंत गुरु कियां सिख संगता ने जुड़ना कीता है। महाराज जी दया दृष्टि करन साडे सारयां दे सिर ते मेहरां भरिया हथ रखण और साढ़े दुखां कलेशां दा नास करके सुख समृद्धियां दी दात साढ़े गरीबां दीआं झोलियां दे विच पा के निवाजन। सतसंग जी नित्ता प्रति दी तरां जो महान पवित्र सतगुरां दी इतिहास दी कथा दा प्रवाह जारी है आपां दसवीं रास दे मंगलाचार कल श्रवण कीते ने ते पहले अंशू की कथा अज आपां श्रवण करनी है गुरु कृपा दे नाल। पिछली रास नौवीं समाप्त हुई है उहदे विचों ये प्रसंग सुनिया किवें बाबा राम राय बादशाह दे नाल सांझ पगाउण लई गुरु घर तों बेमुख होया किवें गुरु घर तों ओह छेकिया गया सतगुरां ने मूँह नहीं लाया ते बहुत लम्मा समा वह आकड़ विच भी रहा। जदों अपनी गलती का एहसास होया ते वापस मुड़ के माफ़ी मंगनी चाही ता सतगुरां ने आख्या भाई ये साढ़े मत्थे ना लगे ये साढ़े घर विच कोई थां नहीं क्योंकि जेड़ा गुरु की बाणी दे नाल छेड़छाड़ करता है ना उहदे लई माफ़ी कोई नहीं है ये नहीं सौखी। जे ये नहीं है भी बिल्कुल ही माफ़ी नहीं पर इवें नहीं कि उत्ते तां बादशाह नूं खुश कर लिया ते हुण इत्थे आ के माफ़ी मंग के छुट जे। जे वाकई राम राय ने माफ़ी मंगनी हुंदी फिर सज्जन ने सवाल किया भी राम राय नूं माफ़ी किसी शर्त ते भी नहीं सी मिल सकदी सी पर इस शर्त ते पहला औरंगजेब दे कोल वापस जांदा उन्हूं जा के कहिंदा कि बादशाह सलामत तुहानूं याद होवेगा तुसीं एक दिन मैनूं यह सवाल कीता सी कि गुरु नानक दी बाणी दे इस शब्द दे अर्थ दसो मिट्टी मुसलमान की पेड़ै पई कुम्हार ते मैं तुहानूं अर्थ दसे सन कि इह ते मुसलमान दी जगह ते दरअसल बेईमान है ते आप कहिंदा बादशाह मैनूं गलती लग गई सी मैं ओदा तेनूं ठीक ठीक तर्जुमा ठीक अर्थ नहीं दस सकिया सच्चे ओदे अर्थ जे सुनने ने ते ओदे असल अर्थ ए ने पहला जाके उन्हूं दसदा जदों ये कारनामा कर दिंदा ना ते फिर सतगुरां दे कोल वापस आउंदा फिर महाराज ने बाहवां फैला के जफ्फी पा लैनी सी फिर उन्हूं पछाण नहीं सी मोड़ना।
कहण दा भाव यह है एक माफी है प्राश्चित करके ते एक माफी है पखंड दी केवल बचन दा रस्ता वो जिहड़ा पखंड करना ना बचन दा राह कढ़ना है खरमस्ती के लोड़ पएगी ते मुड़ के फिर पखंड जा कर लांगे माफी वाला पाप करके साध संगत जी वो नहीं प्रवान जे किसी ने भुल बख्शवाउणी है ते बदावा उन्हां सिंघां वांगू पड़वाया जाना जिन्हां ने मुक्तसर साहब जी की धरती ते अपनियां जानां दा नजराना पेश करके बदावा पड़वाया सी। बदावे इन्ने आसानी नाल नहीं पाटदे जदों आपां गुरु तो बेमुख हो जाइए ते फिर सतगुरां दे सन्मुख आउण वास्ते साध संगत जी अपनी वो कीती हुई भुल कीते हुए पाप नूं अपने लहू नाल धोना पैंदा है ये इन्ना आसान नहीं है। तो राम राय नूं जदों मूँह ना लाया ये लाहौर नूं चला गया लाहौर सतगुरां ने हुक्मनामा भेज दिता भाई जिहड़ा साडा सिख है कोई आना दमणी राम राय ने अगे ना रखे कोई उहनूं मत्ता ना टेके ते जिहड़े लाहौर वाले सन जिहड़े आपू बने प्रधान जिहड़े आपू बने चौधरी अपने आप ही संगतां दे लीडर बन जांदे ने उहनां ने कहा भई जे राम राय नूं आपां ना मिले वह कितें सराप ना दे दिंदा होवे जे उहने सराप दे दिता आपां मारे जांगे ते सतगुरां दे बचनां नूं वी मनणा जरूरी है। फिर उहनां ने तरीका इह कढ़िया कहन लगे महाराज ने कहा कोई आना कौडी नहीं मत्ता टेकना आपां सोने चांदी दे रूप विच भेटा उहदे अगे रख दिंदे हाँ इदां ही कीता गया। राम राय नूं वी उहनां ने उस तरह ट्रीट किया जिवें गुरु साहब जी नूं करदे पए होण। सतगुरां ने जदों सुनिया तां गरीब नवाज कृपालू जी इन्हां दी ऐसी भैड़ी मत ते तरस आया ते फरमाया ये बेईमान ने ये गुरु तो बेमुख ने मूँह दे मिठे ने पर दिल अंदरों ये काले ने इन्हां दे मनां दे विच भय है इन्हां दे मनां च लोभ है वासना है। सो सतगुरां ने ये बचन किए हैं। इस तो अगे आपां फिर दसवीं रास आरंभ की है मंगलाचार सुन लैने आरंभ विच कवि जी निम्रता पूर्वक अरदास बेनती करनगे कवित दे रूप दे विच है फिर अगे अगली कथा आरंभ होनी है। आओ समूह संगत बड़े प्रेम बड़ी चढ़दी कला दे नाल गुरु चरणां दा धरिए जी ध्यान लवाओ हाजरियां आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। कमित सब गौने ऊर भरपूर भयो अगुणन सारे गुणा तो मैं खाली हाँ। कल भी बेनती की सी अध्यात्म दे मार्ग का पहला कदम ये है कि अपने अवगुणा नू तस्लीम कर लेना जिवें भाई गुरदास जी दे बचन ने ना वारा दे विच उन्होंने अवगुणा का वर्णन उत्ते किया भी किन्ने वड्डे किड्डे भारी अवगुण हैं अपने अंदर दे अवगुणा नू पछानना मेरे विच बड़े बड़े भारी अवगुण हैं। साध संगत जी इस प्रकार गुरबाणी ने भी बार बार सानू ये समझाया बाबा फरीद जी का एक बचन पढ़ते हाँ फरीदा काले मैंडे कपड़े काला मैंडा वेस गुनही भरिया मैं फिरा लोग कहें दरवेस। कई बार यदा पाठ आप कर जाने गुन ही भरिया मैं फिरा दुत उचारण करके पढ़ना गुनही भरिया गुनही का अर्थ समझ लें गुणा नाल ते जे गुणा नाल भरिया है तो फिर तो वाकई दरवेश होया ना। वो निम्रता पूर्वक कहिंदे ने मैं अवगुणा दे नाल भरिया पिया वा लोग मैनू कपड़े वेख के दरवेश समझी जाते हैं तो उहदा पाठ है गुण ही भरिया मैं फिर अवगुणा नाल भरिया होया हाँ। सो साध संगत जी इस तरह कवि जी कहिंदे ने सबे गुण ऊर सारे गुणा तो मैं खाली हाँ भरपूर भयो अवगुणन ते बहुतिया अवगुणा दे नाल मैं भरिया पिया हाँ। काम क्रोध कूर हो के बृद्धता फरद के ते मेरे अंदर काम दी क्रोध दी विषयां दी वाशना दी इन्हां चीज़ां दी बहुतांत है इन्हां ने मेरे अंदर जोर पाया होया है ये मेरिया इंद्रियां मेरे काबू विच नहीं
मेरा मन मेरे काबू विच नहीं, ये विषयां मगर वासना मगर सदा दौड़दा रहिंदा। जागदियां भी दौड़दा ते चेता रखिए साध संगत जी, सुत्तियां भी दौड़दा है। जदों जागदियां विषयां दे मगर दौड़ेगा, इहनू डर होवेगा लोग की कहणगे, इहनू डर होवेगा मैनू सज़ा मिलेगी, इहनू डर होवेगा मेरा कोई नुकसान होवेगा, बेइज्जती होवेगी, पाबंदी लगेगी। ते जदों ये सुत्ता पिया हुंदा ना, उदों इहदी दुनिया ही सुपने विच अपनी है, उते ना समाज का डर, ना फड़े जाण का डर, ना किसी नुकसान या बेइज्जती का डर। इसे करके गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, बंदिया जागदियां सौ पाप करदा है ते सुत्ता पिया हजार कर जांदा है। जागदियां सौ ते सुत्तियां पिया हजार। महाराज जी ने आख्या है, सह उलम है दिने कै राती मिलन सहंस। वो सौ उलामा दिने मिलता है ते हजार उलामा रात नू मिल जांदा है। इस करके साध संगत जी बड़े अवगुणों के नाल भरे पए हाँ, हों अपराधी गुनहगार हों बेमुख मंदा, चोर जार जुगार हों पर कर जो हंदा, निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा, विश्वास घाती अकिरत घण मैं को ना रखंदा, सिमर मुरीदा ढाडिया सतगुर बख्शंदा। बड़े अवगुणों के नाल भरे पए आपां भट्टां दे सवैयां विचों एक बचन बड़े प्रेम दे नाल पढ़दे आ ना, गुरु रामदास जी की शरण तकण वास्ते ये अरदास भट्ट साहिबान जी ने सानू करनी दसी है, और ये बचन आपां बड़े प्रेम दे नाल साध संगत जी सारी संगत नू जबानी कंठ भी है ते आपां पढ़दे भी हाँ। महाराज जी असी बड़े अवगुणे आ रहे हाँ, असी परिवार दे मोह दे विच घर दे मोह दे विच लगे हुए सदा अमृत नू त्याग के ते जहर दा रस खांदे पए आ। आ जिन्नी विषय वासना है ये सारी जिहड़ी की है ये जहर ये असी खांदे पए आ। दाता जी तेरे घर तो बिना किते आसरा नहीं लभदा, केवल ते केवल तेरा आसरा सानू पार लंघा सकदा। ये अरदास बेनती कर तो कवि जी सानू दसदे ने, भाई पहला अपने अंदर दे अवगुणा नू पछानना, अपने अंदर दे पाप ते वासना नू किवें पछाण के सतगुरां दे चरणां विच अरदास करनी है। होयो मन चूर चूर रही मत चूर चूर, पापां दे नाल चिंता वधी ते चिंता दे नाल मन जेड़ा है ये चूर चूर हो गया, दुखां दा ग्रसिया होया। जिवें चक्की दे दो पुड़ां दे विच दाणे पिस जांदे ने ना, चिंता दी फिकर दी चक्की दे विच ये साडा मन दुखां दे विच पिसिया पिया है। ते साध संगत जी मत झूरदी पई पछताउंदी पई है। देख रहो दूर दूर दारू ना दरद के, मैं बड़ी दूर दूर तक भजिया, पहला मैं पैसे दे मगर भजिया, मेरे सारे दुखां दा कारण है मेरी गरीबी, मैं बहुत सारे पैसे कट्ठे कर लवांगा ना फिर मेरी चिंता दूर हो जाएगी। वो कहिंदे बड़ा भजिया दूर दूर तक, चंगे काम कीते माड़े काम कीते सीधे पुठे सारे कीते, बड़ी माया कट्ठी कर ली, जदों माया दे अंबार ला लै मगरों जाके पता लगा ये माया तो मेरी चिंता दूर कर ही नहीं सकती, ये पैसे तो मेरा दुख दूर कर ही नहीं सकते। फिर सोचिया शायद मेरे कोल समाज दे विच प्रसिद्धि का घाटा है, लोग मेरी प्रसिद्धि मैनू जानन लग पैन, मेरी जय जयकार करन, मेरे पिछे पिछे तुरन, माया खर्ची साधन वरते ते जगत दे विच अपने आप नू प्रसिद्ध करन वास्ते सारा जोर ला दिता, प्रसिद्ध भी हो गया पर दुख ते फिकर फिर भी ना कटे, चिंता होर भी वध गई। इसे तरह इन्हें साध संगत जी कोई कसर ना छड़ी, चंगियां खुराकां खावां मैं चंगी तरह, जेड़ा अपने मन नू जेड़ा होर तरीके नाल ट्रेंड करके इनू खुश कर लवां, पर किसे तरीके मन खुश ना होया। साध संगत जी बचन ने आखन लगे कि भाई सुख ना ही बहुते धन खाटे, सुख ना ही पेखे नृत नाटे, सुख ना ही बहु देश कमाए, सर्ब सुखा हर हर गुण गाए।
दूर दूर तक मैं भज के देख लिया, दौड़ दौड़ के देख लिया, मैनू कितों सुख ना लभा, ना संसार की प्रसिद्धि विचों, ना माया विचों, ना परिवार विचों, ते ना ही साध संगत जी किसी दुनियादारी दे मनोरंजन दे साधना चों, ना खाण पीण दे साधना चों, जिधर भी दौड़िया ना उधर ही मैनू दुख ही दुख प्राप्त होया। मिले गुर पूरन संतोख सिंह तूरन, आखिर फिर मैं हम हार के आख्या, आओ सारे रल के आखिए, सगल द्वार को छाड़ के, सगल द्वार को छाड़ के, सगल द्वार को छाड़, सारी संगत कृपा कर, सगल द्वार को छाड़ के, गहियो तुहारो द्वार, गहियो तुहारो द्वार, गहियो तुहारो द्वार, गहियो तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज अस, 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 गोविंद दास तुहार, गोविंद दास तुहार, गोविंद दास तुहार, गोविंद दास तुहार, सारे बन्या तो हार के हंब के, सारे बन्या तो निराश हो के, आखिर मैं तुहाडे दर ते आ गया। सतगुरु जी जदो मैं तुहाडी शरण विच आया, जदो मैं तुहाडा दर फड़ लिया, तुहाडे आसरे ते हो गया। सो लख दुख पूर गत एकली नरद के, जिवें साध संगत जी पुराने जमाने दे विच जिहड़ी चौपड़ दी बाजी खेडदे सन, उहदे नाल रलदी मिलदी अज कल दी आ लुडो, जिहदे विच चार खाने बना के ते उह चार चार उहदे विच नरदां गीटियां हुंदियां ने ते खेडदे, वो जिहड़ी कली रह जाती है ना नर्द, एक कली, वह फिर पुगदी नहीं छेती, उहनू बार बार दूजे जिहड़े ने वह मार दिंदे ने, मुड़ के उहनू वापस आउणा पैंदा। तो वह अध्यात्म दे नाल वह खेड जुड़दी सी, अज कल तां केवल मनोरंजन रह गया, पिछले समय चो अध्यात्म दी खेड सी। वह जिवें नर्द मरदी है तो वापस खाने च आउंदी है, उहदा भाव इह सी कि वह मर के दोबारा एक नवा जन्म लै रहा है शरीर, तो जिन्ना चिर वह अपना सारा पैंडा पूरा करके निज घर पहुँच नहीं जाता, उन्ना चिर वह जमदा मरदा ही रहेगा विषय वासना के तहत। तो आख लगे जिहड़ी कली नर्द वांगू मैं मुड़ मुड़ जमदा मरदा पिया, दुख भोगदा पिया सा, सतगुरां ने मेरे ते तरस कर लिया। नाम है शरण सूर पावन पतत रूर, जेडे सतगुरां दा नाम है शरण सूर, शरण के दाते ने, धन मेरे सतगुरु जी जेड़ा तुहाडी शरण आ जांदा ना, जो शरण आवै ते सकंठ लावै, ए बिरद स्वामी संदा, ए तुहाडा बिरद है, ये आप जी का सुभाव है, हे पतत पतत पावन पूरे सतगुरु। राख है जरूर लाज अपने बिरद के, आप जी अपने बिरद दी लाज जरूर जरूर रख दियो, ये आप जी का बिरद है, मुड़ कदीमा का सुभाव है, ये सतगुरु जी के चरणों च अरदास, मैं अवगुणा नाल भरिया पापी, सारे बन्ने भज के वेख लिया, मन नू प्रसन्नता ना मिली, मन नू शांति ना आई, मन रजिया नहीं, पर जो मैं तुहाडे दर ते आ गया, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत के, गुर रामदास राखो सरनाई, एक अरदास पाठ कीरत की,
गुर रामदास राखो सरनाई। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह आप कृपा करके अपनी शरण विच रख लो। ये अरदास करिए आप जिनी संगत आप आए हो ना बेनती वाल तवज्जो देना। साध संगत जी गलतियां बड़िया कर जाने आप गुरु दे कोलो मंगन लगे की गलतियां ने। खालसा जी पुत्र दी दात मंगदे हां नाल ए मंगना भुल जाने भी सतगुरु ये आप जी दे बाणी ते बाणे दा धार नहीं होवे ते गुरमत दा धार नहीं होवे। माया मंगदे हां नाल ए मंगना भुल जाने सतगुरु धन चाहीदा माया चाहीदी है पर तुहाडी कृपा दे नाल ए पैरां दी जुत्ती बन के रवे। ए माया ए धन कदे मेरे दिमाग नूं मेरे सिर नूं ना चढ़ जाए। जे कार गड्डी मंगदे हां ते अरदास ए करनी भुल जाने सच्चे पातशाह जी सवारी करन लई कार दिओ मोटरसाइकल गड्डी दिओ पर इहदे ते मैं सवारी करां ए भी कृपा करिओ ए किते मेरे ते सवार ना हो जाए किते मेरे सिर नूं ना चढ़ जावे दी हौं मैं। महाराज सोहना मकान कोठी दिओ कृपा करिओ सच्चे पातशाह पर इस मकान विच मैं ते मेरा परिवार वसीए तुहाड्या प्यारिया सेवकां दी सेवा करिए चरण पवाइए ये मकान किते साडे मन विच ना वस जाए उते पक्का डेरा ना बना लै। अरदास कर दिओ साडा बच्चा बाहर जावे परदेस ये भी कहा करो सतगुरु बच्चा कमाई करन परदेस घलना है एदा मन कदे परदेसी ना होवे एदा मन सदा तुहाडे चरणां विच ही जुड़िया रहे। जे बच्चे परदेस घले इन्हां दा जे मन भी परदेसी हो गया तो आपां खटिया कुछ नहीं गवाया ही गवाया। जे माया गुरु कोलो मंग के लई ए माया साडे सिर नूं चढ़ गई साडी हौमै ते खटिया कुछ भी नहीं गवाया ही गवाया। साध संगत जी गवाउणा नहीं है कुछ खटना है इस घर विच्चों कुछ प्राप्त करना है वो तां ही करांगे जे अरदास करन दी सही जुगत सानू आ जावेगी। ये अरदास दी जुगत है ये जरूर पल्ले बन लईए। आओ अगली कथा सुनिए। दोहरा वरणौ दसमी रास को सब सतगुरु मनाए। हुण मैं वर्णन करदा दसवीं रास नू कवि संतोख सिंह जी कहिंदे ने सतगुरु जी दे चरणा नू मना के। बिघन विनाशन को कर है होव है सदा सहाय। जेडे सतगुरु जी दे चरण फड़ लईए ना सारे विघना दा नाश हो जांदा ते सारे कार्ज रास हो जांदे ने गुरु कृपा दे द्वारा। चौपाई कीरतपुर केतक दिन वासे। कीरतपुर साहब जी दी धरती ते किन्ने क दिन वासा करके। दास उदाहरण बिलस बिलासे। दासा सेवका नू उदाहरण वाले सच्चे सतगुरु गरीब निवाज। नेती माता दोनों हो प्राता। माता अनंती जी साध संगत जी दो ना माता जी दे प्रचलित ने। एक ता ए है के पेके परिवार दा नां सी अनंती तो साध संगत जी उहदा लाड़ दा नाम बन गया नेती ते दूजा नाम निहाल कौर जी करके भी है जो इउं लगदा है पुराने जमाने दा रिवाज सी पेके दा पेके परिवार दा नाम सहुरे घर जा के बदल जांदा सी। उदों किहड़े अजकल वांगू आधार कार्ड बनदे सन भी सर्टिफिकेटां दे बदलाउणा पैणा है। उदों घरे बैठिया ही वड्डियां वडेरियां ने जो कह दिता उह हो गया। तो साध संगत जी पेके परिवार दा नाम अनंती सहुरे घर विच गुरु घर विच आ के निहाल कौर। सो माता जी एक दिन सतगुरां दे कोल आ के कहण लगे पृथक पृथक जाने निज ताता। हाँ पृथक पृथक साध संगत जी सतगुरां दे कोल हो के ना प्यार दे नाल के तुहाडा जिहड़ा वड्डा भरा है अड अड तुसी रहिंदे हो ओ करतारपुर रहिंदा है तुसी इत्थे कीरतपुर रहिंदे हो। केतके मधुर बचन कह कर कै। माता जी ता दोवां दी मां है ना ते दोवां दे प्रति ओहदे मन विच ममता है। आखिया के मेरा मन ए है मैं अपने पुत्तां नूं इक थां ते वेखां
तो मिठे मिठे बचन कीते चहत मिलावन को सुख धर के दोवां पुत्रां नूं एक थां ते वेखणा चाहुंदी आ। श्री हर राय संग बहु कहियो सतगुरु हर राय साहिब जी नूं कह दिता गुरता पाद दीरग तुम लहियो गुरता गद्दी दी महान पदवी तुहानूं प्राप्त होई है वड्डे भरात सो रखो मेल तुसीं अपने वड्डे भरा दे नाल कुछ हद तक मेल जरूर रखना करो चलो पितामे पुर के गैल तुहाडे पितामा दादा जी ते पड़दादा जी श्री गुरु अर्जन देव जी श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का जो नगर है करतारपुर साहेब जलंधर वाला इते आदक जननी बहु पाखा इस तरह दे बचन माता जी ने कीते ने सतगुरु हर राय साहेब जी दे ताई और करतार चलन की कांखा करतारपुर साहेब जी विके चले चाले पौन दी उते जान दी मन दी अभिलाषा दसे निज मसंद धीर मल एक माता जी ने दसिया के धीर मल ने अपना एक बंदा एक मसंद भेजिया से भेजियो तब कह बात अनेक ओदे कोलो ए स्नेह कलिया सी ते ओने आके ए सुनेहा धीर मल दा मेनू दिता है अपने घर मह एह वडियाई साडे घर दी ए वडियाई है गुरु नानक दे घर दी जो बख्शिश है ओ गुरु रामदास जी तो गुरु अर्जन देव जी गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी तो हुंदी होई हम तुम एक मात ते भाई ओ तुहानू प्राप्त होई है ते मैनू प्राप्त नहीं होई तद भी उह कहिंदे चलो असी सके भरावां तुसी मेरे छोटे भरा हो रिश्ते करके अपर शरीक लेत जे कोई कहण लगे के चंगा होया तुहानू मिल गई है ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕੇ ਚਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਹਿ ਆਛੀ ਹਮ ਕੋ ਕੇ ਮਸੋਈ ਤਾਂ ਧੀਰ ਮੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀ ਪਰ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਸੀ ਖੋਟੇ ਮਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਤਾ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੋ ਆਵਹੋ ਪਰਮਾਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਫੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਇੱਕੋ ਸਦਨ ਭੇਦ ਕੋ ਨਾਹੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਪਿਓ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਧੀਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਮਾਤ ਕੀ ਮਾਨ ਗਹੀਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਅਰੂਢਣ ਕੇਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਮਹਿ ਸੁਧ ਬਿਦਤੀ ਤੇ ਸਬੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਦੁੰਦਬ ਚੋਬਨ ਹਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਭਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਏ ਤਿਆਰੀ ਸਕਲ ਸੈਨ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪਰੇ ਤੁਰੰਗਨ ਪਰ ਬਾਰ ਜ਼ੀਨ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਫੁਰਤੀਲਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਭੱਟ ਧਾਰਨ ਕੀਨ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਬਸਤਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਏ ਚੜੇ ਪਾਲਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਪਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਪਾਲਕੀ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀਪਤ ਬਹੁ ਪਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਸਤਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਭਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਈ ਨੱਕ ਕੰਨ ਛੇਦ ਕੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਕੋਈ ਚੇਨੀ ਕੋਈ ਚੂੜੀ ਕੋਈ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
अपने शरीर ते अपने ईमान नाल एक तरह दे नाल बेइनसाफी जाई है, ये अवग्या है। असल गहने ने गुरु दे दिते पंज ककार, असल गहने ने गात्रे पाई हुई श्री साहब कृपान साध संगत जी, असल गहने ये ने। इस करके प्यारिओ कई ना एवें तर्कां जीआं करन लग पैंदे ने ना, ओ जी जमाना तां तोपां बंदूकां दा, तुसी कृपान दी गल करदे हो, फौज विच जिहड़े नेपाली ने गोरखे उन्हां दी वर्दी दा हिस्सा उन्हां दी खोखरी, ते जे नेपाली गोरखियां दी वर्दी दा हिस्सा उन्हां दी खोखरी हो सकदी है, ते सिख फौज दा हिस्सा वर्दी दा छोटी कृपान क्यों नहीं हो सकदी। गोरखे अपनी वर्दी दे नाल खोखरी रखदे रखदे ने, ते सिख कृपान क्यों नहीं रख सकदा, जो वरतों खोखरी दी है कृपान दी क्यों नहीं हो सकदी। साध संगत जी ये तां सानू धर्म नालों तोड़न दे तरीके ही ने, जदों किते आपां समाज विच विचरदे आं सानू पता लगदा है श्री साहब जी दे नाल साडी आत्म रख्या दा रस्ता खुलदा, तो असल गहने तां सिख दे ने गात्रे श्री साहब, और बाकी दे जिहड़े ककार हन कंचन लग्यो गोल गन मोती, सोहणे मोती जिहड़े गल दे विच माल है, सीस ते उत्ते सुंदर जिगा है, ते सोने इत्यादक दी उहदे ते कारागिरी है, लरी झालरां जोत उदोती, सोहणियां झालरां लगियां होईयां ने लड़ियां जिहड़ियां मोतियां दीआं, सर्ब सनूखा केर समेते, अपनी नौ दे समेत धन धन माता अनंती जी, माता निहाल कौर जी अपनी नौ दे समेत, डोरे सयंदन मह चाड नेती, डोले दे विच रतां ते सवार हो करके, गमनी संग हरख कहो तारा, बड़ी प्रसन्नता धार के चल पै हन, तट थिर सतद्रव तीर निहारा, लंघदिया लंघदिया सतलुज दरिया दे किनारे कीर्तपुर साहब जी तो आ गए, केवट तरी लियाए तत्काला, जेड़े केवट मला सन ओ छेती नाल बेड़ियां लै के हाजर हो गए, सरता सरबत राए उताला, सारिआं नूं साध संगत जी इते उतारा करवा लिया, बेड़ियां दे विच सवार होण लगे, सेना सहत समाज बिसाले, सारी सेना दे समेत सारी वहीर परिवार ते बाकी दा साजो समान, परे पार तट मार्ग चाले, सारा कुछ बेड़ियां दे राही पार करवा के अगे चाले पाए, ब्रह्म कम पंथ उलंघत पए, कर्मवार पिंडां शहरां दा इलाका लंघ दे लंघ दे, श्री करतारपुरा ने रहे, जदों करतारपुर साहिब दुआबे वाला नेड़े जे आ गया, आगे लैण धीर मल आयो, अगे अगों हो के स्वागत करन लई धीर मल आ गया, अनुज समाज पिखियो मिरधायो, जदों ने वेख्या ना जोधे सूरबीर जवान एडे एडे बहादुर शस्त्रधारी ते बाकी दा साजो समान, मिले परस्पर हरख उपावत, सतगुरां नूं आके खुश हो के प्रसन्न हो के मिलना कीता धीर मल ने, बूझत सगली कुशल बतावत, सारी कुशल मंगलता पुछन लगा, सारियां बातां सतगुरां ने दसियां, महाराज जी दे एदे वल्लों कुशलता पुछी ता इन्हें भी सारी कुशल मंगल दी खबर सुनाई, देहरा करियो आनपुर माहे, देर आके करतारपुर साहिब जी दे शहर दे विच महाराज ने डेरा कर लिया, उपबन छाया पिख कर ताहे, उते बड़ा सुंदर जो बाग लवाया होया सी सतगुरां दा, उस बाग दे विच संघनी जई छां वेख के उतर पए हन, उतरी चमू सुथल अवलोका, उते फौज उतर पई है, ए सोहना अस्थान वेख करके, हरखे हेर नगर के लोका, ए वेख के नगर दे लोक बड़े प्रसन्न होए, सब मिल लै लै कर उपहारे, सारे मिल मिल के उपहार लै लै के, आन धरी सतगुरु अगारे, सतगुरु हर राय साहब जी दे चरणा विच लगे मथा टेकन, कर कर बंधन बैठे पास, फिर बंधना करके मथा टेक के
गुरु चरणा दे विच नेड़े नेड़े हो के बैठन लगे। दर्शन कीनो आनंद प्रकाश, बड़े प्रसन्नता दे नाल आनंद प्रकाश लगे हन दर्शन दीदार करन। श्री हर राय सबन कै संग, सतगुरु श्री हर राय साहिब महाराज जी सारिआं दे नाल। बूझी कुशल अहै सरबंग, ओ कल्ले कल्ले नूं पुछदे क्यों भाई कुशल मंगल हो प्रसन्न चित हो। सुख सो वास अहै गुरपुर में, भाई गुरु के नगर दे विच वासा करन वाले हो किवें है सतगुरां दी कृपा नाल प्रसन्न हो। कहो जथारथ जैसे ओर मैं, तां दसो भाई सानू कोई गुरु के नगर दियां बातां सुनाउणियां करो। गुरु पितामे ने रण कीन, एते वड्डे सतगुरां दादा सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने महान युद्ध लड़िया। पुन चढ़ गए नरन सुख चीन, ते फेर ए तो पर उपकार हेती लोकां दे भले लई ए तो चल के कीरतपुर साहब नू चले गए। तुरक सैन पुन आवहे नाही, तुरक सैन तुरकां दी जिहड़ी सैना है फौज है ओ वापस फेर हमला करेगी, ते करतारपुर शहर दे विच दोबारा जंग नहीं लड़नी। जिहड़ी गुरीला वार फेर दी टकनीक है ना वो ए है कि एक जगह ते इक्को वार ही लड़िया जावे, इक्को मोर्चे दे विच मुड़ मुड़ के ना लड़िया जावे। तो जे करतारपुर दे विच एक वार जंग जित ली है तो दोबारा उते नहीं लड़ना, हुण पहाड़ां नू चल पै। जे वैरी पिछा करदा आवेगा इन्हां नू पहाड़ां दे विच ऐर की सोधा लावांगे। इस हित गए कीरतपुर माहे, इसलिए करतारपुर नू छड़िया ते कीरतपुर दे विच जा डेरा कीता। पिता बसाया हो नगर उदारा, जो के पिता जी धन धन बाबा गुरदित्ता जी ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਾਂ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇਵਣ ਹਿਤ ਧਾਰਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖੀ ਰਵੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਲਈ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਲਈ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਗਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਸੰਸਾਰ ਚਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਜਰ ਜੋਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਨੂਨ ਪਾਗਲਪਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਲਾਕੂ ਖਾਨ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗੋਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਰ ਮੈਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪੈਸਾ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਜੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਅਤੇ ਜੋਰੂ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਵੇਗਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲਰ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਮੰਨੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਜਰ ਲਈ ਨਾ ਜੋਰੂ ਲਈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ। ਜੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਭਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਸਭਹੂ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਗਰ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਵੱਸਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਨ ਕੇਰੇ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਕੇਮ ਸੰ
संकट तिन आवत नेरे। इस प्रकार दे नाल संकट नेड़े किवें आ सकदा, साडे नेड़े संकट किवें आउणा है, एडी वाहिगुरु की कृपा है। रक्षा करत हाथ दे सारे, इस तरह सतगुरु कृपा करके हाथ दे के साडे गरीबां दी आप रखिया कर दे। लोक परलोक कष्ट निरवारे, परलोक विच सब थावां ते साडे गरीबां दे कष्टां नूं निवार दे ने सतगुरु। तुरक सैन जब गन चढ़ आई, जदों तुरकां दी फौज चढ़ के आई सी ना करतारपुर ते हमला करन, पैंदे खान जलंधर दे नवाब दे कोल कुतब खान दे कोल गया, वर्ग लाया, फिर लाहौर विच जा के उहदी शारश दे नाल बादशाह नूं मनाया। काले खान ने यह सारा जिम्मा चुकिया। इस तरह साध संगत जी, काले खां, कुतब खां जलंधर दा नवाब ते पैंदे खां दा जवाई उस्मान खां, इन्हां ने साध संगत जी कुछ फौज तां लाहौरों लियांदी, कुछ फौज जलंधर तो लई ते कुछ फौज जिहड़ी है उह इन्हां ने अपने कबीलियां दी, यूसुफ जई, बरक जई वगैरह कबीले जिहड़े अफगान पठाणा दे उह इकट्ठे कीते, फिर जहाज दा झंडा खड़ा करके आम मुसलमानां नूं बदमाशां नूं अपने नाल रला लिया। लुट खो करन वालियां नूं वी 75,000 तों वधेरे फौज हो गई ते कईआं सोमियां ने 1,00,000 दे करीब वी दसी है। इन्नी फौज करके कठी इन्हां ने करतारपुर साहिब ते हमला कर दिता। हित श्री हर गोबिंद लड़ाई, धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे नाल लड़ाई करन वास्ते। सगरो नगर बचावन करियो, सारे नगर नूं सतगुरु महाराज जी ने बचाउणा है। तो आपां पिछे जंग दा कथा सुनी है ना सारी, थोड़ा जिहा दास दोहरा कर देवे तां कि साडे मनां चों चेते आ जाए। उन्होंने रात नूं हमला करन दा व्योंत बनाई, सतगुरां दे जसूसां ने सारी गल सतगुरां ताईं पहुँचा दित्ती। महाराज ने भी अपनी फौज नूं चौं ताईं वंड लिया, क्योंकि उन्होंने अपनी फौज चौं ताईं वंडी सी। साध संगत जी, उन्होंने जदों अद्धी रात नूं हमला करन लई अगे वधना शुरू कीता ते जिहड़ी सब तों अगला मोर्चा सी, उन्हां मोर्चियां ने इन्हां तुरकां ते हमला कीता। जदों तुरकां नूं वड्डी मार पई हनेरे विच, तां इन्हां ने फिर नगारे वजा दिते वी हुण पता ते लग ही गया। सारी रात साध संगत जी तुरकां नूं भुलेखे पा पा के गुमराह कर करके सिखां ने घेर घेर के मारिया। सवेर हुंदी नूं तुरकां ने फिर चार हिस्से फौज दे बना के चारे दरवाजिआं ते हमला कीता। चारे पासिआं तों अड अड सिक्का नूं कमान दे के ते फौज दे के युद्ध लड़न महाराज जी ने खड़िया कीता। इस तरह जंग दे विच चार मोर्चे बने, चौई ताई जंग होई है। एक भी जिहड़ा मोर्चा सिक्खां दा टुट नहीं सकिया। हाँ, कोई थोड़ा कमजोर हो जांदा सी, कोई तगड़ा, पर दरवाजा कोई नहीं टुटन दिता। तुरक फौज नूं शहर दे विच दाखल नहीं होन दिता। तुरक फौज दा ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜਾਂਗੇ, ਲੁੱਟ ਖੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਨ ਕੀ ਮਾਹੇ ਰਹੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਸੀ, ਤਕਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਆਖਰ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਤਬ ਖਾਂ, ਕਾਲੇ ਖਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਸਮਾਨ ਖਾਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਸਾਰੀ ਤਕਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈ। ਰਿਪ ਕੋ ਦਾਲ ਬਾਹਰ ਪਰ ਹਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਦਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ। ਕਰਤ ਰਹੇ ਬਲ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਵਿਅੰਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਵਿਸ਼ੇ ਪੁਰ ਤੇ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ,
ਧੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿ ਖੜਗਣ ਸੋ ਕਟਾ ਕਰੇ ਹੈ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲੀਆਂ ਤੇ ਐਸੀ ਕਟਾ ਵੱਢ ਹੋਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ। ਕਰਤ ਹੇਲ ਤਤਕਾਲ ਮਰੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਘਮਸਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਣ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪ੍ਰਹਾਰੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਣ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਧਾ ਬਲ ਮਹਿ ਭਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਨਗਰ ਵਸਾਇਓ, ਇਹ ਨਗਰ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਬ ਕੋ ਸੰਕਟ ਨੇਰ ਨਾ ਆਇਓ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਡੱਕਿਆ ਅੱਗੋ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਕਟ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਭਏ ਸਹਾਇਕ ਜਿਸ ਕਿਸ ਭਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਲੇਤ ਬਚਾਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਤੇ ਨਰ ਬੁਲਵਾਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਦੇ ਹਿਤ ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਸਾਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਤਬ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਨ ਗਾਵੈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਗਾਦੀ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਆਪ, ਹੁਣ ਆਪ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਰ ਹੋ ਸ਼ਕਤ ਉਥਾਪਣ ਥਾਪ, ਆਪ ਜੀ ਥਾਪਣ ਹਾਰੇ ਤੇ ਉਥਾਪਣ ਹਾਰੇ ਹੋ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਸਨ, ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ? ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਜਾਣਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਨਾ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਜਾਣਨਾ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1469 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀ, 1539 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਚੋਲੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਚੋਲੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋਤ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜੋਤ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਪੰਥ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਆਤਮਾ ਧੰਨ